मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 26 नवंबर 2021, और 26 नवंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 26 नवंबर को आज के दिन संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत जो केंद्रीय कक्ष है वहां पर 26 नवंबर मतलब आज के दिन संविधान दिवस के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो इनको संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को। अब आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका जो बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है कि किस राज्य ने तीन राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य ने, जो आंध्र प्रदेश राज्य है तो आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानी वाली राजधानी के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून है उनको निरस्त करने का भी निर्णय लिया। और आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियों को लेकर चल रहा जो विवाद है अब वो खत्म होगा और अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो होगी अमरावती। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने उनके साथ ही जो राज्य मंत्रिमंडल है उन्होंने तीन राजधानी के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय के निर्णय की जो सूचना है वो देने का फैसला भी किया है। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी वो प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन आंध्र प्रदेश के तो वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन है वो प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को। और आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं तो आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जिले हैं दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है तो वह है तेलुगु। और आंध्र प्रदेश का जो प्रतीक है वह पूर्ण कुंभ और राज्य फूल है वो है कुमुदगा। और जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वह है कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश का राज्य खेल है कबड्डी। और राज्य का जो पेड़ है वह नीम का पेड़ है। और राज्य पक्षी आंध्र प्रदेश का नीलकंठ का। और राज्य पशु है चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, किस देश ने अमेरिका और ब्रिटेन है उनके साथ एक परमाणु जो पनडुब्बी गठबंधन है उसमें महत्वपूर्ण जो समझौता है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आंसर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया है उसने, जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अपने देशों के बीच एक संवेदनशील जो नौसेना परमाणु सूचना है उसके आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया और उस पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें तीनों देशों के द्वारा जो रक्षा गठबंधन है ओकस AUKUS उस गठबंधन की जो घोषणा के बाद सार्वजनिक रूप से हस्ताक्षरित होने वाली एक प्रौद्योगिकी का एक पहला समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो वो है दोस्तों कैनबरा। कैनबरा वो ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट टाइम राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है तो प्रेजेंट टाइम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन है वो प्रेजेंट टाइम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है तो वह है क्वेंटिन ब्राइस। और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है तो वह ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, कनक दास की 15वीं शताब्दी है उसके कवि और संत वह किस राज्य के एक समाज सुधारक थे। तो आंसर दोस्तों ये जो कर्नाटक राज्य के समाज सुधारक थे जो 15वीं शताब्दी के कवि हैं संत और समाज सुधारक है कनक दास, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए
कर्नाटक में जो कनक दास जयंती मनाई गई है, और कनक जो संत रह चुके हैं कनक दास, उनकी जन्म स्थली है कागिनेले, उनको सरकार के द्वारा एक सार्वजनिक यात्रा के लिए नवीनीकृत वो किया गया है। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक के बारे में और पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है दोस्तों बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई वो प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, तो वह है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के राज्यपाल है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की स्थापना कब हुई, कर्नाटक की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई। और कर्नाटक में टोटल कितने जिले हैं, तो कर्नाटक में टोटल 31 जिले। और कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है, तो वह है कन्नड़। और कर्नाटक में एक फेमस मंदिर है केशव मंदिर, जो सोमनाथपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिज्ञासा कार्यक्रम है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है जिज्ञासा कार्यक्रम, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा हाल में जो CSIR है जिज्ञासा कार्यक्रम, इसके तहत बच्चों के लिए भारत की जो पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला वो शुरू की गई है। और CSIR है उसने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक वर्चुअल लेब है, लेब प्लेटफॉर्म वो विकसित किया, जिसमें इसको विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे है इनके साथ साझेदारी भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 है उस पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख कौन है। तो आंसर दोस्तों ये पीपी चौधरी। जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण है उस विधेयक 2019 पर संयुक्त जो संसदीय समिति है उसने विवाद होने के बाद एक छूट खंड का बचाव किया, जिसको सरकार है उसको अपनी किसी भी एजेंसी को कानून के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है। और पीपी चौधरी है उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने जो मामूली बदलाव के साथ इस खंड को बरकरार रखा, और यह रिपोर्ट अब संसद में पेश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में किस एयरपोर्ट की जो आधारशिला वो रखी है। तो आंसर है दोस्तों जेवर एयरपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट है उनकी नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 नवंबर 2021 को आधारशिला रखी गई है जेवर एयरपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देश के सबसे ऊंचे एयर जो प्यूरीफायर टावर है उसकी शुरुआत वो कहाँ की गई है। तो आंसर दोस्तों ये चंडीगढ़ में की गई है। देश का जो ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है इसकी शुरुआत वो चंडीगढ़ में की गई है। और चंडीगढ़ है दोस्तों तो ये दो भारतीय राज्य हैं उनकी राजधानी भी है, एक तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है पंजाब, और दूसरी हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और इसका जो चंडीगढ़ नाम है वो एक इस मतलब चंडीगढ़ का अर्थ है चंडी का किला, और ये एक हिंदू देवी है दुर्गा के रूप में, चंडिका या चंडी के मंदिर के कारण ये नाम पड़ा हुआ है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा वो देना पड़ा है। तो आंसर दोस्तों ये मेगदा लेना एंडरसन है इनको, जो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मेगदा लेना एंडरसन, उनको पद संभालने कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। जो संसद में बजट प्रस्ताव है उस पर एंडरसन की सरकार है उसने हार का सामना किया, और इसके बाद दो दलों की जो उनकी अल्पसंख्यक सरकार थी उससे एक दल वह अलग हो गया, और जो एंडरसन है उनको सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी नई नेता चुना गया था, और उन्हें जो स्टीफन लोफ्यून है उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन लोफ्यून ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और एंडरसन है इससे पहले वित्त मंत्री भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वायु गुणवत्ता ट्रेकर IQ एयर है उसके अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो आंसर दोस्तों लगभग 70 लाख लोगों की। जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है या AQI है
AQI, उससे वायु गुणवत्ता को मापा जाता है। और AQI एक थर्मामीटर की तरह काम करता है, जो 0 से लेकर 500 डिग्री तक चलता है और तापमान में बदलाव दिखाने के साथ बजाय ये AQI है वो हवा में प्रदूषण की मात्रा में बदलाव दिखाने का महत्वपूर्ण तरीका है। और वायु गुणवत्ता ट्रैकर है IQAir, इसके अनुसार दुनिया भर में लोगों के लिए जो स्वास्थ्य खतरों में से वायु प्रदूषण है वो बहुत ही अहम है। और वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और इन मौतों में से 6 लाख बच्चे, इनमें 70 लाख में से 6 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, असम राज्य के किस जीव अभ्यारण्य को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया है। जो अब ये दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें वहां के असम सरकार के द्वारा अभी राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की घोषणा की गई है, जो अब असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। और राज्य के जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं असम के, परिमल शुक्लवेद, इन्होंने ये जानकारी दी है। अब असम है, असम में 5 जो राष्ट्रीय उद्यान वो अहम है। एक का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है डिब्रू सैकोवा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नोमेरी नेशनल पार्क और ओरंग, 5वां है ओरंग नेशनल पार्क। एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत और किस देश ने 4 साल बाद जो व्यापार नीति मंच है उनको, उस मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। और पीछे के वीडियो में भी हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि सूडान में भारत का अगला राजदूत वो किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर था दोस्तों BS मुबारक को, मुबारक है उनको, जो भारत का अगला राजदूत है वो सूडान में नियुक्त किया गया। और ये जो विदेश मंत्रालय में जो 2001 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं मुबारक, जो अभी ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मुबारक अब सूडान में भारत का अगला राजदूत वो नियुक्त किया गया और जल्दी वो अपना कार्यभार वो संभालेंगे। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दिया करो दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।